ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्रिगुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप सबके भीतर बैठी हुई उस परमात्मा की परम शक्ति को, उस ब्रह्मांड की शक्ति को, उस माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले हैप्पी ईस्टर, ईस्टर की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन हमें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है, हमें नए जीवन की प्रेरणा देता है, हमें नई उमंग नए संकल्पों की प्रेरणा देता है। दोस्तों, मैं जो आपसे बातें करता हूं वो सभी बातें मेरे गुरु महाराज जी के अनुभव की, आपके साथ मेरे हुए एक्सपीरियंस की, जो मैंने अपने साथ किए उन एक्सपीरियंस की बात करता हूं। और जो जो भी मुझे महसूस हुआ उसकी बात करता हूं। साधना करने की बात है, ना कि बातें करने की। ध्यान हो जाने की बात है, ना कि करने का। उसके साथ एकाकार हो जाना उसकी कृपा की बात है। हम सब एक एनर्जी से, एक वाइब्रेशन से बने हैं, और हम जो भी सोचते हैं, जो भी होना चाहते हैं वो हो जाते हैं। हमारे अंदर भगवान ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने बहुत सी परम शक्तियां दी हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो उसमें बहुत से कारण होते हैं। आज कुछ कारणों पर विचार करेंगे। आज मन की शक्ति के ऊपर बहुत कार्य हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर की बाढ़ आई हुई है। सब कहते हैं पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना सोचें, नेगेटिव मन में ना लाएं। मैं भी आपको कहता हूं पॉजिटिव रहो, सकारात्मक सोच रखो। फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? फिर भी कहां कमियां रह जाती हैं? बहुत गंभीर बात है। जैसे जैसे आप कोई भी सत्संग में हो, किसी महापुरुष के चरणों में हो, कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन रहे हो, किसी महापुरुष, किसी गुरु महापुरुष के चरणों में हो, उसकी पॉजिटिव रेजेज ले रहे हो, किसी तीर्थ स्थान पे हो, किसी मंदिर गुरुद्वारा में हो, किसी चर्च में हो, आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो। आपको लगता है अब तो मुझे मेरा नया जीवन मिल गया। जैसे ही आप अलग होते हो फिर आप वो के वो ही हो जाते हो जो आप थे, जो नहीं होना चाहते। आपको परमात्मा ने, ईश्वर ने हक दिया है, राइट दिया है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप देखिए एक इंसान की ताकत, वो 100 शेरों को भी काबू में कर सकता है, डर जाए तो कुत्ता भी भगा सकता है इंसान को। रात के टाइम किसी झाड़ी पे कोई कपड़ा ऐसे लटका हुआ हो वो भी भूत प्रेत दिखाई देता है। रात को जंगल में सब राक्षसों की आवाज दिखाई देती है, इंसान इतना डर जाता है। कितनी ऐसी स्थितियां हुई,
तो व्यक्ति चल नहीं सकता था। ऐसे घर में अचानक आग लग गई तो व्यक्ति भाग पड़ा। कैसे भाग पड़ा? उसके अंदर शक्ति थी, उठ पड़ा, वो निकल गया उससे। अभी अभी मेडिकल साइंस ने कितने एक्सपेरिमेंट किए, कुछ लोगों को कोई दवाई दी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप गूगल करके जान सकते हैं। कुछ को मेडिसिन दी, कहा कि ये बीमारी जो है बड़ी असाध्य है, ठीक हो भी सकती है, नहीं भी ठीक हो सकती है। 20 आदमियों को अलग कर दिया गया। दूसरे भी इसको कहा गया कि ये दवाई है, इससे आप ठीक हो सकते हो। भगवान के घर में मिरेकल होते हैं, चमत्कार होते हैं, चमत्कार पैदा किए जा सकते हैं। उसको स्पिरिचुअल साइंस के बारे में और समझाया गया। दूसरे ग्रुप को कहा गया मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी होता है। और आप मानेंगे कि जैसे जैसे जिन लोगों को ये बताया गया उनके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव निकले। कहीं कहीं कैंसर के बारे में लोगों पे तजर्बा किया गया, कहीं कहीं कोई शरीर का ऐसा हिस्सा था उसके बारे में तजर्बा किया गया। तो कहते हैं जब प्रार्थना में गए, ध्यान में गए, तो बॉडी से, ब्रेन से ऐसा केमिकल निकला, उसने उस बीमारी को ठीक किया। हमारे अंदर ऐसा फिनोमेना है कि हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें तकलीफ कहाँ होती है, मुझे क्षमा करेंगे जिन लोगों को बुरा लगे। जैसे आप देखें बचपन से बेटियां पैदा होती हैं तो बेटियों को कह देते बेटा ये लड़कों का काम है, ये तेरा काम नहीं है, तू नहीं कर सकती ये काम, ये तेरा भाई करेगा, अपने भाई को आने दे। आप कितना नुकसान कर रहे हैं उस बच्चे के परवरिश में, आप कितना बड़ा क्राइम कर रहे हो, क्योंकि उसके माइंड में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में, उसके ज्ञान कोश में, उसके सूक्ष्म शरीर में, उसके कारण शरीर में ये बात चली जाएगी, जिसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो बच्ची बड़ी होके जाए पायलट बन जाए, वो बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन जाए, कहीं ना कहीं उसके मन में फिर ये बात आती होगी कि मैं बेटी हूं, मैं लड़की हूं, मैं नहीं कर सकती, बहुत बड़ा क्राइम है। तो घर में कोई बच्चा है, हम अपनी कमी को छुपाने के लिए बच्चे को डांटे, तू तो है ही निकम्मा, तू कुछ नहीं करने वाला, उसको हमने एक परवरिश दे दी। कहीं कहीं स्कूलों में टीचर्स बच्चे को डाउन कर देते हैं, तू कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो टीचर कितना नुकसान कर रहा है बच्चे का। और ऐसे जब हम, मैं कहता हूं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो मेरा कहने का भाव कि आप उस परमात्मा के अंश हो। आप जब प्राउड करेंगे कि मैं उस मां का बेटा हूं, तो आपके साथ सब कुछ घटना शुरू हो जाएगा। इससे और आगे जाता हूं, जैसे आज आप जो कुछ हो, आप बीमार हो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो, आप कर्जदार हो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो, आपका कोई दोस्त नहीं है, लोग आपसे नफरत करते हैं, उसके जिम्मेदार आप खुद हो, लोग आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं, उसके जिम्मेदार आप खुद हो, आप सब कुछ करते हो, आप सक्सेस नहीं हो पाते, इसके जिम्मेदार आप खुद हो, आप कोर्ट केस भुगतते रहते हो, इसके जिम्मेदार आप खुद हो, आपको भगवान ने सब कुछ दिया जिंदगी में, आप जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। जब तक आप दूसरों को दोषी ठहराना बंद नहीं करोगे, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लोगे, तब तक बात नहीं बनेगी। उस तक जाने के लिए, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए, जैसे आपसे बहुत बार बात की है कि हमारे 5 शरीर हैं। पहला शरीर हमारा है स्थूल शरीर, जिसको आप देख रहे हो, और 5वां शरीर हमारा है महाकारण शरीर,
जिसकी वाइब्रेशन, जिसकी जो एक लेंथ है, जिसकी जो स्टेट है, उस परमात्मा की शक्ति से मिलती है जहां भगवान निवास करते हैं। जब वो वहां तक हम पहुंच जाते हैं तो तब हम जो चाहते हैं होने लगता है। पर हमने सोचा है कोई हमारी मीटिंग है इंपॉर्टेंट, या किसी के साथ हमने कोई प्रोग्राम बना लिया, किसी मेहमान को बुला लिया, हम उसको ना पसंद नहीं करते हैं। हमने बहाना लगा दिया, आज तो मेरी बहुत सेहत खराब है, मैं तो उठ भी नहीं सकता, मैं तो काम में जाना था वहां भी नहीं जा पाया, तो उसको मना कर दो। आपने तो ये सोच लिया छोटी सी बात है, पर जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी, आप उस लेंथ तक चले जाओगे, जैसे आप रेडियो लगाते हो, स्टेशन जो लगाते हो वही लगेगा, जैसे आप उस तक शक्ति तक पहुंच जाओगे, महाकारण शरीर तक, तो फिर वैसा ही होने लगेगा। आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने लगोगे तो बात नहीं बनेगी, आप बीमार ही हो जाओगे। आपका बिजनेस, किसी को पेमेंट देनी है, मेरा तो बिजनेस नहीं चल रहा, आपका नहीं चल रहा कोई बात नहीं, भगवान को कहिए मेरा नहीं चल रहा, पर लोगों के सामने ऐसी बात नहीं करें, मैं तो स्टडी नहीं कर पा रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे, ऐसे ही टाइम निकल जाता है। आप टीवी के आगे 4 घंटे बैठ सकते हो, और जब स्टडी की बात आती है आप कहते हो कि मैं नहीं पढ़ सकता, स्टडी नहीं कर सकता, तो आप गए काम से। तो पहले हमें जो हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तो हमें कारण शरीर जो है उसमें हमें ज्ञान भरना है, वो बिल्कुल अज्ञान से भरा हुआ है। कितनी भ्रांतियां हमने डाल ली, कितनी भ्रांतियां हमने डाल ली, उन भ्रांतियों से मुक्त होना है। जैसे उन सब सबका ब्रेक द नॉर्म्स करना है हमें, उन जो नॉर्म्स हैं उनको तोड़ना है जो झूठे बने हुए हैं। कितनी चीजें ऐसे भ्रमवश हैं, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि जब बेटियां जो मंथली में पीरियड में होती हैं तब पूजा करनी चाहिए, कहीं शास्त्र में मना नहीं किया, हमने खुद ऐसी चीजों को बना लिया। और फिर भी वही लोग जो 20-20 साल से जुड़े हुए हैं पूछते हैं अभी हम पूजा करें, तो ऐसी धारणा से हम खुद ही नहीं निकल पाएंगे तो दूसरों को कैसे निकाल पाएंगे। आप शक्ति क्रिया के साधक हो, आप किसी को मिलो तो आप में कुछ अलगपन चाहिए, ऐसी थुथली बातों से बचना चाहिए, तो हमारा कारण शरीर बिल्कुल अच्छा होगा, शक्तिशाली होगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी जब आगे बढ़ेगी महाकारण शरीर तक जाएगा तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। इस कारण शरीर में एक तो जो अभी की बात आपसे कर रहा हूं, इसके साथ पता नहीं कितने जन्मों जन्मों से हम उसके ऊपर नेगेटिव लिखवा के लाए हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट से हो गई, जब इस जन्म में पैदा हुआ तो उसको एक्सीडेंट से बहुत डर लगेगा, उसको लगेगा मेरी गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं सीढ़ियां उतर रहा हूं, मैं कहीं गिर नहीं जाऊं। जब जब और भी एक्सीडेंट के विचार आना, फ्लाइट में बैठेगा एक्सीडेंट के विचार आना, तो आपका पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई आपके साथ, किसी व्यक्ति विशेष से डर लगने लगना, अकेले में डर लगने लगना, आपके साथ ऐसी घटना हुई, किसी काम को शुरू कर देना उसके बाद कॉन्फिडेंस ना बन पाना, फिर उसको वापस लेने की कोशिश करना, पिछले जन्म में कभी आप फेल हुए, कभी कभी आप बहुत कामयाब हो रहे थे अचानक आप फेल होने लगे, आप फेल ही होते जा रहे हैं, आप वही आदमी थे, आप मिट्टी को हाथ लगाते थे सोना बन जाता था, आप ऐसी फ्रीक्वेंसी में आ गए कि बार बार आप फेल हो रहे हैं। तो कभी कभी पास्ट लाइफ के साथ भी ऐसी स्थिति की बात होती है, कहीं भी आपके साथ दोस्तों ऐसी स्थिति हो आप अपने गुरु के चरणों में जाएं, क्योंकि वो सभी व्यक्तियों के लिए विशेष हो सकता है ना, एक फार्मूला सभी के साथ लागू नहीं हो सकता। आप गुरु चरणों में जाएं पर पूरे सरेंडर होके जाएं, अपना दिमाग नहीं लगाएं, अपना दिमाग पहले लगाएं जितना लगाना है गुरु चरणों में जाने से पहले, आप चले गए तो फिर ना लगाएं। जैसे तेरा भाना मीठा लागे, बहुत बड़ी बात है,
अगर हम ऐसा सोच लेते हैं कि भगवान तेरा खाना मीठा लग रहा है तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हमने भगवान को पा लिया, हम उसके चरणों में पहुंच गए, हमने उसका उसका साक्षात्कार कर लिया। जब वो दे रहा है हमें मीठा ही लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम बोलते हैं अमल नहीं करते हैं। मुस्लिम धर्म में एक बहुत अच्छा शब्द आता है इंशाअल्लाह, बहुत बड़ी बात है कि जैसी अल्लाह की मर्जी, जैसी उसकी रहमत वैसा होगा, पर हम अमल नहीं करते हैं, जो हरी इच्छा हम अमल नहीं करते हैं। जब हम डबल माइंडेड होते हैं ना, जब हमें कभी सीधा ना नहीं कर सकते, हाँ नहीं कर सकते, हम कह देते हैं जैसे माता जी की इच्छा, हम अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। दोस्तों बहुत ही साधना के ऊपर चलना, साधक बनना बहुत डिफिकल्ट है। जब हम बिल्कुल अपने आप को छोड़ दें, कबीर साहब ने बड़ा सुंदर लिखा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लोकाठी हाथ, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। कबीर जी ने बाहर का घर फूंकने को नहीं कहा, अपने अंदर के जो विचार, अंदर की हमारी धारणाएं, अंदर की हमारी सोच, जब तक हम उसको फूंकते नहीं है, उसको जला नहीं डालते, उसको राख नहीं कर देते, हम कुछ भी कर लें दोस्तों, आप 10-10 घंटे साधना कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन आप गुरु चरणों में पूर्ण रूप से सरेंडर हो जाओगे, अपने को अवहमों से, भ्रमों से दूर करके मुक्त हो जाओगे, आप आधा घंटा भी गुरु की साधना करोगे तो आप कहीं पहुंच जाओगे। हमारी हम जो भी इंसान है ना, कहते हैं भगवान के विचार से पैदा हुए हैं, वाइब्रेशन से पैदा हुए हैं, उस वाइब्रेशन में शक्ति मिली तो हम और आगे बढ़ गए। हमें अपने कारण शरीर में, अपने सूक्ष्म शरीर में पॉजिटिव एनर्जी देनी है, पॉजिटिव शक्ति देनी है, और जैसे हम रिचन क्रिया साधना कराते हैं, प्रसूति साधना कराते हैं, वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मों को भी नष्ट करने की ताकत रखती है। आप इसके ऊपर बहुत ध्यान से कार्य करें, और अपने जितना आप प्यार वाले इंसान बनोगे, जितना आपके मन में अनकंडीशनल लव आएगा, जितना आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचना शुरू करोगे, आपके साथ सब शक्तियां आ जाएंगी। अगर आप सोचोगे मेरा है ही कोई नहीं दुनिया में, मुझे सब नफरत करते हैं, मेरी कोई जरूरत नहीं है, तो वो भी ऐसा ही हो जाएगा। आप सोचोगे मुझे बहुत प्यार करते हैं सभी, तो ऐसा हो जाएगा। आप स्पेशल इंसान हो भगवान के, ऐसा सोचने लगोगे तो भी वैसा हो जाएगा। सबसे पहली बात कि जब आप साधना में लग गए तो फिर एक बात तो बहुत अच्छी है कि आप स्पेशल बच्चे हो परमात्मा के, माता रानी के, गुरु जी के, जिस भी गुरु के चरणों में लगे हो, सब गुरु एक है, आगे जाके सब एक हैं गुरु। और इसको रेगुलर करें, जो शैतानी ताकत है, नेगेटिव ताकत है, हमें बहुत रोकती है आगे बढ़ने से साधना में। आप कोई इसमें बहाना ना लगाएं, आप सोचो आप आज जो भी हो, अच्छे हो तो भी आप अपने कारण हो, बुरे हो तो भी आप अपने कारण हो, ये पहले भी मैं आपको कह के आया। तो आप इन जो हमारी आत्मा है, सोल है ना, हमारी बहुत प्योर है, जो हमारी आत्मा है वो हमारे महाकारण शरीर से सीधी सीधी जुड़ी हुई है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी उस भगवान की शक्तियों के साथ पूरी पूरी मैच करती है। और जो जैसे आत्मा से अति जीव आत्मा, जिसका हमारे मन के साथ संबंध है, जो हमारे कभी गलत में भी साथ देती है, हमारे ठीक में भी साथ देती है। आप कभी कुछ गलत करने लगते हो तो आपके अंदर से एक आवाज आती है, मत कर टूडा स्वामी जी, नहीं करना चाहिए, मत मिल इस बंदे से, नहीं मिलना चाहिए इससे। पर कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, कभी दयावश समझ लो, कभी कुछ प्यारवश, मोहवश कोई कारण होते हैं। अगर आप अपनी पूरी प्योर सोल की सुनोगे तो आप कभी गलत नहीं हो पाओगे।
आप अपने आप को जितना क्लीन करने की कोशिश कर सकते हो, जितना क्लीन करने की कोशिश कर सकते हो, जितना प्योरीफाई करने की कोशिश कर सकते हो करें। अच्छे सत्संग में जाएं, अच्छे ग्रंथ पढ़ें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, और जो टाइम मिलता है भगवान के साथ व्यतीत करें। आप देखेंगे जब ऐसा कर लेंगे आप, जैसे मैं पहले आपको सदा कहता रहा हूं कि जलसी नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, दूसरों का ध्यान रखना, तो उसका आज थोड़ा सा ऊपर आपको समझाया। क्योंकि अगर आप किसी का बुरा सोचते हो तो मैंने देखा साधक वाले व्यक्ति के ऊपर अपने आप आ जाता है, और जब तक आप प्योरीफाई नहीं होते हो तब तक दोस्तों साधना नहीं करना, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। आप धीरे 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 धीरे, तब तक आप मंत्र जाप करो, आप पाठ करो, पर जैसे आप पाठ करते करते, पाठ है जैसे मैं बोल रहा हूं ऊंची आवाज में श्री दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करना, गीता का पाठ करना, श्री सूक्त्म का पाठ करना, महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना, वो जाप है धीमे स्वर में करना। तब तक आप जाप करो, पाठ करो, गुरु मंत्र का जाप करो, जैसे आपकी ऊंची अवस्था होने लगे फिर ध्यान करो, फिर आपको ध्यान में मजा आएगा, फिर आप आंख बंद करोगे तो उसके साथ हो जाओगे। जब तक आपके अंतर से अनकंडीशनल लव नहीं निकलता, प्यार नहीं निकलता, बात नहीं बनेगी। आपका पक्षियों से भी प्यार होना चाहिए, आपका दुश्मन से भी प्यार होना चाहिए, आपका दोस्त से भी प्यार होना चाहिए, आपका आपके मन में क्षमा की भावना बहुत ज्यादा होनी चाहिए। क्षमा मांगना भी पूरी ईमानदारी से, क्षमा करना भी पूरी ईमानदारी से। आज हम रचन क्रिया में पास्ट लाइफ के लिए भी कैसे अपने बुरे कर्मों को नष्ट करना है उसके ऊपर ध्यान करेंगे, साधना करेंगे। आप सबसे पहले वम रूम शब्द का जाप करें, वम रूम 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 वम रूम। मन में धीरे धीरे वम रूम का जाप करें। धीरे धीरे मन में विचार करें साक्षी भाव से, विटनेस के भाव से, कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। मैं इस स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर की ओर जाने की कोशिश करें। ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा, पर मैं
जो मेरी आत्मा है, जो मेरी सोल है, वो तो रहेगी, वो पता नहीं हजारों सालों से रह रही है, आगे भी रहेगी। इसके बारे में दोस्तों बड़ी रिसर्च हुई कि आत्मा सोल कहां पे है हमारे अंदर में। गरुड़ पुराण में लिखा है 4 इंच की होती है, पर कहीं फिजिकली मिली नहीं 4 इंच की। कभी किसी ने कुछ कहा, कभी किसी ने कुछ कहा, एक विचार नहीं हो पाया उसके ऊपर। पर सोल है बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर, उसकी एनर्जी भी बहुत अच्छी, उसकी वाइब्रेशन रेंजेज भी बहुत अच्छी। इसीलिए कभी कोई व्यक्ति कितना भी बुरा हो, कुछ ना कुछ अच्छापन उसमें रहता है। अपने कर्मों से, अपने विचारों से इतना दूषित कर लेता है कि जैसे वाइट कपड़ा गंदा हो जाए तो ब्लीच करने पर भी धुलता नहीं है, क्लीन नहीं होता है। पर इस सोल की, आत्मा की कोई आकार नहीं है, शक्ल नहीं है, निराकार है वो। और जो सोल का, सोल के अंडर में काम करता है और वो इंसान के अंडर में भी काम करता है, उसका नाम माइंड है, मन है। मन का भी कोई आकार नहीं है, हार्ट का आकार है, हार्ट में और मन में फर्क है। मन का भी कोई आकार नहीं है, पर मन का निवास हृदय चक्र जहां कहते हैं वहां पे है, जहां से कंठ चक्र है, इससे आगे दोनों ब्रेस्ट के बीच में हृदय चक्र। पर मन का भी कोई आकार नहीं है, मन की कोई शक्ल नहीं है। मन का संबंध आत्मा से, मन का कोई आकार नहीं है, आत्मा का कोई आकार नहीं है, आत्मा का संबंध सीधा परमात्मा से, परमात्मा, उसका भी कोई शक्ल नहीं है, उसका भी कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। और जिस शक्ल में भी हम उसको ढूंढें, वो साकार भी है। वो आपको पशुओं में भी नजर आ सकता है, पक्षियों में नजर आ सकता है, जैसे पिछली बार हम बात कर रहे थे प्रहलाद को चींटी में नजर आ गया भगवान। और कितने कितने ऐसे कहानियां मौजूद हैं, कितने भक्तों को, महापुरुषों को कभी किसी रूप में नजर आया, कभी किसी रूप में नजर आया, और जिसको जिस भी रूप में नजर आया उसने उसको वैसा मान लिया। वो अलग विषय है, पर मन का, आत्मा का, परमात्मा का कोई भी आकार नहीं है। पर जैसे एक छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं, बेटा एप्पल देख के उसको ए याद आती है, कैट देख के उसको सी याद आती है, डी देख के उसको डॉगी याद आता है, ऐसे ही हम प्राइमरी स्टेज पे जब भक्ति में है, ध्यान में है, तो हमें सकार इष्ट का ध्यान करना पड़ता है, वो जल्दी हमारे पे कृपा होती है। और जैसे जैसे हम आगे निकल जाते हैं फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली अलग अलग रूप में भगवान आ जाते हैं, अलग अलग शक्तियों के रूप में आ जाते हैं। आप साक्षी भाव से अलग हो जाइए, ये मैं नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, पर मैं कौन हूं, कहां से आया हूं मैं, साक्षी भाव से देखिए, क्वेश्चन करिए, बिल्कुल ऑर्डर की तरह क्वेश्चन करिए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं मैं। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। एक दिन में नहीं होगा, आपने जितने कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हो वो भी एक दिन में नहीं हुआ, उसको भी सालों लगे, जन्म लगे। पर अच्छे जीवन जीने के लिए, साधना में आगे जाने के लिए शक्ति क्रिया के द्वारा कुछ महीने लगेंगे, रेगुलर करेंगे तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। मैं कौन हूं,
ऐसे जोर से ऑर्डर से क्वेश्चन करते रहिए। धीरे धीरे आपको लगेगा क्या उसी उस परम शक्ति का एक अंश हो, एक छोटा सा सितारा हो, एक छोटी सी रोशनी हो, या छोटी सी लाइट होती है, ऐसा महसूस होता है। जब भगवान के चरणों में जाते हैं तो लाइट से लाइट मिल जाती है, जब अंत में जाते हैं शरीर छोड़ते हैं तब भी ऐसा होता है। जैसे आपने मैं कौन हूं का विचार करोगे, आपको जवाब आने लगेगा। वो जवाब दोस्तों भयंकर भी हो सकता है, कष्टदायी भी हो सकता है, सुखदायी भी हो सकता है। वो ऐसा ही है जैसा एक बच्चा क्लास में जाता है, कॉलेज में जाता है, उसको क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसके आंसर देता है, जब देखता है जो उसने लिखा है वही रिजल्ट आएगा। हमारे जमाने में तो बहुत बड़े बड़े आंसर लिखते थे, आज तो कंप्यूटर में आपका उसी टाइम रिजल्ट आ जाता है, और कंप्यूटर तो कोई लिहाज नहीं करता। इसी तरह से जैसे हम ध्यान में क्वेश्चन करते हैं, मैं कौन हूं, जो भी है आप निकलते आते हैं। जैसे इस स्थिति में आप आगे जाएंगे ना, आपके पास आपका पास्ट कर्म आ जाएगा। ये मैं आज आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, इतने वक्त में इतना कुछ करवाया नहीं जा सकता। आप आज से जो ध्यान की क्लास में आगे गए हैं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, बहुत से संत महापुरुषों ने इसके ऊपर कार्य किया है और मुझे उनके चरणों में बैठ के सीखने का मौका मिला और उसके ऊपर बहुत काम किया और काफी हद तक सक्सेस हुआ। कभी कभी हमारे ग्रह भी हम कहते हैं ठीक हैं, ग्रह भी उसी के कारण से हैं। और जब आप शक्ति के चरणों में आगे लग जाते हो तो आपको ग्रह को मानने की जरूरत नहीं है। अगर आप साधना में लग गए, जो ग्रहों का मालिक है उसके चरणों में चले गए, तो अपने आप ग्रहों को अनुकूल कर देगा, अपने अच्छे ग्रहों को अच्छा कर देगा, बुरों को भी अच्छा कर देगा। ये तो ऐसी स्थिति हो गई कि आपने अपनी MRI करा ली और फिर किसी नाड़ी डॉक्टर के पास चले गए, बताओ मुझे क्या बीमारी है, क्यों दर्द हो रहा है। आप MRI करा के आए हो फिर भी पूछ रहे हो। कभी कभी आपको लग सकता है कि आप साधु थे, कभी लग सकता है डॉक्टर थे, कोई गलती हो गई, कभी लग सकता है टीचर थे, जो भी थे, कभी लगता प्रीस्ट थे, आपने भक्ति में कोई कार्य कर दिया गलत। आप देखें जितने भी हमारी कहानियां बड़ी हैं, फास्ट की कहानियां हैं, महाभारत में कहानियां आती हैं, शिव पुराण में आती हैं, वो सच्ची कहानियां हैं, वो सब पास्ट लाइफ के कर्मों से बंधी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं, उनसे सीखने को मिलता है। पर प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग अलग ग्रंथ है, उसकी अलग हिस्ट्री है। अपनी पूरी पास्ट लाइफ को लिखने लगेगा तो पता नहीं कितने ग्रंथ तैयार हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग से है, पर इसको कैसे आपको पता चल गया, आप पहुंच गए, जितना जितना आपसे हो रहा है, आपको लगता है कि पास्ट कार्प लाइफ में मैंने ऐसा गलत कार्य किया था, जैसे मान लो आपने किसी व्यक्ति को मार दिया हो, आपने किसी व्यक्ति के साथ कोई बुरा व्यवहार कर दिया हो, कभी आपको तो पता नहीं वो कहाँ है व्यक्ति,
हो सकता है इस लाइफ में आपके साथ कोई लेना देना करने आया हो सकता है इस जन्म में आपसे कोई बदला लेने आया हो। तो आप जिस व्यक्ति के साथ आपका बुरा किया है आपने, उस व्यक्ति से मन से क्षमा मांगे, मन से क्षमा मांगे, भगवान से क्षमा मांगे और अपने गुरु को कहें, गुरुदेव मुझे इस सजा से मुक्ति कराओ, मैं इस सजा को और नहीं भोग सकता हूं, मुझसे मुक्ति कराओ, आगे अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। फिर दूसरा कर्म आया, तीसरा कर्म आया, चौथा कर्म आया, उसको कर करके मन से मन क्षमा मांगते जाएं, अपने गुरु को कहते जाएं, आप देखेंगे कि आप जो प्योर सोल जिसमें भगवान ने आपको पैदा किया था वैसी ही सोल आप बन जाएंगे और आपकी फ्रीक्वेंसी उस महाकारण शरीर से मिल जाएगी, आपकी संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी और आप इस समाज के लिए, इस देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत कुछ अच्छा करके जाएंगे। और ये करोड़ों में कोई कोई कर सकता है, और जो सच्चे साधक हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिर मन ही मन ध्यान करते हुए, हे ईश्वर, हे मां, मेरे पास्ट लाइफ के बुरे कर्म जो हैं उनको नष्ट करो महारानी, कृपा करो, कृपा करो मां, कृपा करो, कृपा करो, मैंने अनजाने में किए हों, जानबूझ के किए हों, लालच में किए हों, स्वार्थ में किए हों, मेरे बुरे कर्मों को नष्ट करो मां। धीरे 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 वापस आए जहां थे। इसकी बेटा प्रैक्टिस करनी है रोज आपको, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आगे बढ़ोगे। अभी अपने आज्ञा चक्र पे अपने इष्ट का ध्यान करें, थर्ड आई पे अपने इष्ट का ध्यान करें जिनके ऊपर आपको पूर्ण रूप से श्रद्धा है, जो भी पास्ट लाइफ का कर्म बंधन है इससे मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना वो जो आपके मन से हो, आप अपने दर्द को समझते हो, फिर गुरु जी के उन शब्दों को याद करें, अंधेरा दूर नहीं किया जा सकता, रोशनी लाई जा सकती है, गरीबी दूर नहीं की जा सकती, अमीरी लाई जा सकती है, बीमारी दूर नहीं की जा सकती, तंदुरुस्ती लाई जा सकती है, अपने इष्ट के चरणों में समर्पित हो जाएं। की कृपा को महसूस करें, उनकी रेजिस से आप नहा रहे हो, उनकी रेजिस से आप ओतपोत हो, आपके इष्ट की कृपा चारों ओर से हो रही है, माँ कह रही है बेटा तू क्या चाहता है, तेरी इच्छा क्या है, क्या चाहिए तुम्हें, वो सब कुछ जानती है। आंख नहीं खोलेंगे, आज्ञा चक्र से
माँ के दर्शन हो रहे हैं, उसकी कृपा हो रही है, उसके चरणों में है आप। बहुत तेज पुंज, फूल ही फूल, अच्छे अलंकार माँ ने पहने हुए हैं। माँ बहुत प्रसन्न मुद्रा में है, आप पे कृपा कर रही हैं। माँ की कृपा को महसूस करें, माँ की शक्ति को महसूस करें। जो आपका संकल्प है उसको महसूस करें, आपका गोल है उसको महसूस करें, जैसा जीवन चाहते हैं उसको महसूस करें। आपका संकल्प मां की शक्ति से पूर्ण हो गया, उसको प्रेजेंट में एंजॉय करें। गुरुदेव का थैंक्स करें, शुक्रिया करें, अपने इष्ट के चरणों का शुक्रिया करें, उन्होंने कृपा की आपके ऊपर, ऐसे ही कृपा रखें। विरूर पंख मुद्रा करें, धीरे धीरे आंख खोलें, हाथों को देखें। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महारानी बहुत बहुत कृपा करें, आपके संकल्प आपके गोल पूरे करें, आप साधना में आगे बढ़ें, ध्यान में आगे बढ़ें, सब नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो। किसी प्रार्थना के साथ, किसी आशीर्वाद के साथ आपसे इजाजत लेता हूँ। जय माता दी। आपके भीतर बैठी हुई माँ को, भगवान को प्रणाम करता हूँ।